please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चट्टा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आतंकियों से पाकिस्तान सरकार के रिश्तों की हकीकत पूरी दुनिया जानती है। इसकी वजह से पाकिस्तान मुश्किलों के भंवर में फंसता जा रहा है। इसके बावजूद वो दुनिया के सामने आतंकवाद से रिश्तों को नकारता ही रहा है। अब पाकिस्तान के इस इनकार का पर्दाफाश करने वाला एक हैरत अंगेज सच सामने आया है, जिससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान सरकार और आतंकियों के बीच सिर्फ रिश्ते ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान सरकार उनके इशारों पर नाचती भी है। मोदी, तुमने तो कर लिया जो कर लिया, अब इंशाल्लाह कश्मीरी मुजाहिदीन सर्जिकल स्ट्राइक्स करके तुम्हें बताएंगे। हाफिज जैसे आतंकियों की कठपुतली है पाकिस्तान सरकार। कश्मीर में खून बह रहा है, जिम्मेदार इंडिया। लश्कर जैसे आतंकी संगठन तय करते हैं पाकिस्तान की पॉलिसी। पाकिस्तान की हुकूमत इसका नोटिस ले, हमारी वजारत खारजा साफ साफ बयान जारी करे, यह बगावत नहीं है। आतंकी संगठनों के इशारे पर नाचते हैं पाकिस्तान के हुक्मरान। मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ से ये गुजारिश करता हूँ कि कायदे आजम का हुक्म अभी तक पेंडिंग है। अब तक पाकिस्तान इस सच से करता रहा है इनकार। लेकिन अब सामने आया झूठ बेनकाब करने वाला सबसे बड़ा सबूत। पाकिस्तान दुनिया भर के आतंकवाद की राजधानी है, सारी दुनिया इस सच को पहचान चुकी है। इसके बावजूद पाकिस्तान बड़ी बेशर्मी से इस सच से इनकार करता रहा है। आतंकवाद से रिश्तों को लेकर अमेरिका ने जब से उस पर शिकंजा कसा है, वो और भी तेज आवाज में इस झूठ को दुनिया के सामने फैला रहा है। लेकिन पाकिस्तान के पास अब अपने झूठ को बचाने का कोई नकाब नहीं है। हर सुबह पाकिस्तान एक झूठ बोलता है और शाम होते होते उसका पर्दाफाश हो जाता है। पाकिस्तान सरकार भले ही आतंकियों के साथ अपने रिश्तों से इनकार करते हों, लेकिन हकीकत तो ये है कि दोनों के बीच रिश्ते इतने गहरे हैं कि वो एक दूसरे की मदद ही नहीं करते, बल्कि हर मुद्दे पर फैसला एक दूसरे से सलाह मशवरा करने के बाद ही करते हैं। ऐसे आतंकी पाकिस्तान सरकार के सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। आतंकियों के पाकिस्तान सरकार के सलाहकार के रोल में काम करने का एक सच चिट्ठी से सामने आया है, जिससे ये साबित होता है कि हाफिज सईद जैसे आतंकी का संगठन लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान सरकार के सुरक्षा सलाहकार की भूमिका निभाता है। हाफिज का संगठन लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार की भूमिका निभा रहा है। इसका पर्दाफाश इस चिट्ठी से होता है। ये चिट्ठी पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार नासिर खान जांजुआ ने लश्कर के संस्थापक आमिर हमजा को लिखी है। इस चिट्ठी से साबित होता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का पनाहगार है और उसकी जमीन पर आतंकियों का बोलबाला है। चिट्ठी में पाकिस्तान के एनएसए लश्कर ए तैयबा के संस्थापक आमिर हमजा की शान में कसीदे पढ़ते हुए उसका आशीर्वाद मांग रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपने जो दस्तावेज भिजवाए थे उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आपने बलूचिस्तान में चल रहे मेरे काम की तारीफ की है, ये सब लोगों की दुआओं का ही असर है। आपने मेरे काम की जो तारीफ की है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। साथ ही मैं आपका एहसान मंद रहूंगा अगर आप मेरे लिए इसी तरह दुआ और मेरा मार्गदर्शन करते रहें। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसी अहम कुर्सी पर बैठने वाले शख्स एक आतंकी से सलाह मांग रहा है। साफ है कि आतंकी ही पाकिस्तान के असली पॉलिसी मेकर हैं, जिनकी मुट्ठी में पाकिस्तान की तस्वीर और तकदीर दोनों बंद है। साफ तौर पर दर्शाता है कि इनके आपसी रिश्ते जो है बहुत मजबूत हैं।
ये एक दूसरे के साथ तालमेल करके हर कार्रवाई को अंजाम देते हैं। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का हर प्रकार का इनको सपोर्ट है। पाकिस्तान की आर्मी को इनके ऊपर पूरा भरोसा है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की लश्कर के संस्थापक को लिखी गई इस चिट्ठी की तारीफ हाफिज सईद हर रैली और जलसे में कर रहा है। जाहिर है वो इस तरह दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान में उसका कद कितना बड़ा है। लाहौर में हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा की एक किताब रिलीज हुई। इस मौके पर हाफिज ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार एनएसए चिट्ठी लिखकर लश्कर ए तैयबा की तारीफ करते हैं। हाफिज ने इसी चिट्ठी का हवाला देकर कार्यक्रम में लश्कर की पीठ थपथपाई। दुनिया के सामने पाकिस्तान आतंकियों से किसी तरह के रिश्ते से इनकार करता है, लेकिन ये चिट्ठी पाकिस्तान की झूठ की पोल खोल देती है। ये चिट्ठी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान सरकार और आतंकी एकजुट होकर काम करते हैं। अनेकों सबूत मिल चुके हैं जिसको सारी दुनिया देख चुकी है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी इनकार करता रहा और आगे भी डिनायल मोड में रहेगा। ये उसी सबूत की एक और कड़ी है जो साफ तौर पर दर्शाती है कि कितना क्लोज एसोसिएशन है इनके बीच। पाकिस्तान के एनएसए का लश्कर जैसे आतंकी संगठन के सरगना को चिट्ठी लिखना ये साबित करता है कि पाकिस्तान सरकार आतंकियों पर लगाम लगाना दूर, वो इनके साथ मिलकर काम कर रही है। पाकिस्तान सरकार के आतंकियों से रिश्तों को लेकर सैकड़ों सबूत दुनिया के सामने आए हैं, लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की लश्कर के सरगना को लिखी चिट्ठी से इन रिश्तों की गहराई समझी जा सकती है। पाकिस्तान के एनएसए अपनी चिट्ठी में लश्कर के सरगना का सिर्फ शुक्रिया ही अदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक आतंकी से सलाह और मार्गदर्शन भी मांग रहे हैं। इससे जाहिर है कि पाकिस्तान सरकार आतंकियों की सलाह पर पाकिस्तान के मुकद्दर को लिख रही है। मुझे एक पता है, अगर इंसान नहीं बनोगे, कश्मीर कश्मीरियों के हवाले नहीं करोगे, तो कई पठानकोट उठे। जहर उगलने वाला ये शख्स लश्कर का संस्थापक है। जिहाद के नाम पर भड़काने वाला ये चेहरा पाकिस्तान का सलाहकार है। पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठन के संस्थापक आमिर हमजा का कद कितना बड़ा है, ये वहां के एनएसए की लिखी चिट्ठी से साफ हो जाता है। जांजुआ आमिर को लिखी अपनी चिट्ठी में सिर्फ उसका शुक्रिया ही अदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उससे सलाह और मार्गदर्शन की गुजारिश भी कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक आतंकी की सलाह पर काम कर रहा है। पाकिस्तान की आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये कहना कि आतंकवादियों के इशारे पे नहीं, लेकिन आतंकवादी का उनको हर प्रकार का सपोर्ट चाहिए, और उस सपोर्ट को और मजबूत करने के लिए, उनके मोरल और मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए, उसको उठाने के लिए, ये एक किस्म का ईगो बूस्ट है। जांजुआ की चिट्ठी में एक हैरान करने वाला जिक्र भी किया गया है। उन्होंने आतंकी आमिर हमजा को इस बात के लिए शुक्रिया कहा है कि उसने बलूचिस्तान में जांजुआ के काम की तारीफ की है। बलूचिस्तान में बरसों से बगावत की आग जल रही है, जिसे पाकिस्तान सरकार ताकत के दम पर दबाती रही है। अब ये साफ हो गया है कि विद्रोहियों को दबाने के लिए पाकिस्तान सरकार लश्कर की मदद लेती है। बलूचिस्तान, सिंध और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में बगावत के जो शोले भड़क रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान सरकार सेना के जुल्मों से दबाती रही है। पाकिस्तान सेना के जुल्म के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आवाज उठ चुकी है, लेकिन जांजुआ की चिट्ठी से ये नया सच सामने आया है कि बगावत कुचलने के लिए पाकिस्तान सरकार आतंकियों की मदद ले रही है। वो गुपचुप तरीके से आतंकियों के सहारे विद्रोह की आवाज दबाने में जुटी है। बड़े पैमाने पर जुल्म किए जा रहे हैं, बलात्कार किए जा रहे हैं, मुआवजा नहीं दिया जाता, उनकी ज़मीनें ली जाती हैं, लोगों को हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं, ऊपर से नीचे गिराते हैं, और ये साफ तौर पे दर्शाता है कि पाकिस्तान आर्मी तो इस मौके की कार्रवाई कर रही थी, पाकिस्तान का आईएसआई कर रहे थे, लेकिन अभी उसके साथ में आतंकवादी भी जुट गए हैं।
पाकिस्तान पर अमेरिका समेत पूरी दुनिया का दबाव है कि वो आतंकवाद पर लगाम लगाए। इसकी वजह से उसे मिलने वाली आर्थिक मदद बंद हो रही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। इसके बावजूद पाकिस्तान आतंकियों से अपने रिश्ते खत्म नहीं कर रहा है। जांजुआ की चिट्ठी सामने आने के बाद ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान में बगावत की आवाज काफी बुलंद हो चुकी है, जिसके आगे पाकिस्तान सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। अब बागियों से मुकाबला करने के लिए वो लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के ही भरोसे है। इस वजह से भी वो इनके खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत नहीं कर पा रही है। अमेरिका पाकिस्तान को बार बार आतंकियों से रिश्ते खत्म करने और आतंकियों पर लगाम लगाने की नसीहत दे रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान के रवैये में कोई बदलाव नहीं हुआ। इससे नाराज अमेरिका ने पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक तक की चेतावनी दे दी है। अब जांजुओं की चिट्ठी सामने आने के बाद ये साबित हो गया है कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के रवैये में बदलाव की उम्मीद करना बेकार है। लश्कर की नींव रखने वाले आतंकी को पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चिट्ठी से पाकिस्तान का झूठ पहली बार बेनकाब नहीं हुआ है। पाकिस्तान के हुक्मरान पहले भी आतंक के आका हाफिज को क्लीन चिट देते रहे हैं। यही नहीं, उसे अपना दोस्त बताने से भी परहेज नहीं करते हैं। पाकिस्तान में कोई केस हाफिज सईद साहब के खिलाफ नहीं है। अगर कोई केस हो तो कार्रवाई की जाती है। लश्कर ए तैयबा को तो सबसे बड़ा सपोर्टर मैं हूँ और मुझे मालूम है कि वो मुझे पसंद करते हैं। लश्कर ए तैयबा वाले और ये जमात उद दावा वाले पसंद करता हूँ बिल्कुल। हाफिज सईद को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की क्लीन चिट के बाद जांजुआ की इस चिट्ठी से साफ हो जाता है कि पाकिस्तान सरकार हाफिज जैसे आतंकियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकती है। ऐसे में अमेरिका के पास अब पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। साफ तौर पर प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने अनेकों बार कहा है कि वो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, वो हमारे नेशनल हीरोज हैं, हम ही ने उनको चुना है, हम ही ने उनको पाला है, हम ही ने उनको हर प्रकार का सपोर्ट दिया है। आतंकवाद पर लगाम ना लगाने की वजह से अमेरिका पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद रोक चुका है, जिससे शुरू हुई आर्थिक तंगी का खामियाजा वहां की जनता भुगत रही है। इसके बावजूद भी सरकार की आंख नहीं खुल रही है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान की जनता जल्द ही अपनी सरकार के खिलाफ भी सड़क पर उतर सकती है।